मऊ के कॉलेज में पढ़ता था जब का है फोटो है कौन सा मऊ के कॉलेज में पढ़ता था नहीं जब का फोटो है यो तीस पैंतीस साल की उम्र में बहुत कमाई करी कहीं भी सत्संग में जाता नहीं तो कोई मोटरसाइकिल तो थी नहीं बाइसाइकिल से जाता था ही बारह कोस भी सत्संग वत्संग करता था और आज दफरे दो रोटी खाता जी की काल दफर एक टाइम खाना खाता था और छः छः गठा घंटा सुमरन पे बैठा रहता था तीन बजे रात का भी सुमरन पे बैठता तो पाँच बजे तक छः बजे तक बैठता वो हमारा समय सबसे स्वर्णिम समय था जो अनुभूति हुई वो अनुभूति बस स्थाई बन गई और वो हर इंसान के जीवन में एक बार वो घटना होना चाहिए और वो घटना जिसके भी इंसान में होगी जिस इंसान के जीवन में फिर वो उसको भूल नहीं पाएगा और जब वो नहीं भूलेगा नहीं तो फिर वो जब भी चाहेगा जब उस स्थिति से जुड़ने के लिए उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी तो कभी उन दिनों में प्रहलाद जी ने आपसे बात की कबीर के बारे में या सिमरन के बारे में उनके भी मने भी के तो नहीं है मनती पर मैं पूछ ही लेती थी तनियों के भजन करो तो मालूम पड़ जाएगा जो तुम सिमरन पे बैठोगा ना जो मतलब नहीं दिखेगा तो हम बताएंगे तो बैठती थी उनकी वैसे उनका आत्री पूर्ति तो दीदी मारती नहीं वही झूठ बोलने की बात नहीं है आपको काम से ही फुर्सत था हाँ। छः छः घंटा सिमरन में बैठने की हाँ पर जब भी हम बैठता था तो फिर मैंने ये कहूँ हमने तो कोई सार चीज दिखी नहीं तनियों के दिखेगा बहुत मुश्किल है न्यू के मन लगा पर कभी आपको लगा कि भजन सिमरन करने का वक्त आदमी लोग के पास है नहीं वो तो आदमी लोग के पास तो है सही भजन सुमरन करवा का वक्त पर जैसे आपने जो सही लगन हो सच्ची लगन हो तो आपने भी वक्त निकाल सके तम तो चालो साहिब मेरा देश बतैदा थारे भावन हाँ हाँ चालो मालिक सारा देश बतैदार थारे भावनगरी हाँ भावे नगरी वो हेली प्रेम नगरी हाँ हाँ भाव नगरी हाँ प्रेम नगरी यहाँ ये जो कुएं है नी वो कुएं हमारे गांव में कम से कम 100-150 कुएं होंगे शायद ही कोई ऐसा कुआ होगा जिसमें काम नहीं करा इस यहाँ पर कुएं खोदने का काम हाँ मैंने मजदूरी तुम तो चालो हमारा हो देश बतैदा अरे भावनगरी हमारे पिताजी ने बहुत काम किया अपने गांव में हाँ वो बंधुआ थे हाँ लगभग वही महीने महीनेदारी जिसको महीनादारी कहते हैं 12 महीने के पैसे ले लेते हैं तो उन्होंने तो ₹5 महीने पे काम करा हाँ हाँ काची कड़ी हो कचनार कारीगर काया अजब बनी आय अजब बनी हो काया अजब बनी हाँ चालो मालिक सारा देश बतैनार थारे भावनगरी हाँ भावे नगरी वो हेली भावनगरी हेली प्रेम नगरी तुम तो चालो मालिक सारा देश बाद में जी 15 साल तक ना रही और ये तो मैं सुनू है नहीं या 5 महीना की थी नहीं एक आश्रम पे गया हूँ कौन प्रहलाद जी हाँ तो ये आश्रम पे गया तो वहाँ की जगह कहीं मालूम है उनका मन क्यों बदलियो
यूं कह के आश्रम में रहूं, आप घर लौटना नहीं चाहते। फिर हमारे भी उदरमल वाला जो गुरुजी था आश्रम वाला, हम क्या कही गुरुजी ने जब हम घर लौटवाई थी किन के तो खूब रोया। 50 किलोमीटर के 100 किलोमीटर आइए जान तक रोता रहा। अब वहाँ का आवा बात है नी, बा साहब ने माँ साहब हमारा सासु ससुरा जो था वे ऐसा मतलब डरी गया था कि कहीं मालूम औरत के ने बच्चा बच्चे की छोड़ी नहीं हो कहीं चले जाए। तो गाड़ी बेल में तीन ही बच्चा बच्ची के मारे बैठाड़ी और हमारा बिस्तर है, बर्तन है, कपड़ा है, सब लेने जहाँ भी सर्विस करवाता था वहाँ छोड़ जाए। अब वहाँ छोड़ी ने आया दीदी, तो जैसे जी स्कूल थी आया जो कि यहाँ क्यों आया तुम, मन क्यों को अब आ भेजा घर है तो के नहीं घर पे रहना था आपको, माँ बाप की सेवा करना था, तो मन की भी छोड़ गया। तो ठीक है छोड़ गया, दरवाजा लगा ही सही जाते हूँ तो गौर खेड़ी भजन गवा जाए। दरवाजा लगा लिया सही, जो भी हमारा रोटी सब्जी खाना पीना फिर जो खाई पी। कैसा लगा आपको? आत्मा में दुख तो है पर फिर भी के समझावा की कोशिश करती रही। फिर ऐसे करते करते आदत सी हुई ही वहाँ के, ठीक है वजन करना कोई बुरी बात नहीं। अब वजन में इनकी लगन लगी रही लगी रही लगी रही, वैसे हमारा भी अन्य पालन पोषण करी, जो भी हमारे इच्छा थी वह पूर्ण करी, कपड़ा की, खाने की, पीने की, रहने की, हंसने की, बोलने की, सब अच्छी तरह रही परिवार में। तो हमने सोचा कि अच्छी बात है, आपने इतना साथ भी हो भी नहीं कम है कि भगवान ने संतान भी दे दिया साथ भी दे दिया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है भी कमाई कर दिया थोड़ा खाने इसको मारो भी करेगा। क्या अंत में आपने क्या कहा? अंत में क्या कि वी जो परमात्मा का भजन कर लिया है मैंने जो भी करियो मन की कमाई में थोड़ा खान हक मारो ही है मिलेगा। बस हाँ हाँ हल्दी पतंगी यारो रंग उड़ जाए वो हेली काल की घड़ी, या तो हल्दी पतंगी यारो रंग उड़ जाएगा हेली काल की घड़ी। हाँ काल की घड़ी वो हेली काल की घड़ी। कोई चीज से मोह नहीं है उनके, एक खाली अपना परिवार में रहने अपना मन समझा वाली बात है वह कि हाँ यह पत्नी है कि बेटो है कि बेटी है कि बहन है कि भाई है कि सब, इतना लगाव भी नहीं है कि भी बाहर जाइने अपने याद करे कि अपन से दूर होने अपने याद करे, ऐसी बात नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी? अबे देखो अबे अपन तो आम जनता है, अपने लिए तो बुरी बात पर मन का लिए तो अच्छी, सब अच्छा। वैसे कोई शांत हुई हो तो सबकी आंख में आंसू आवे भी नहीं रोवे, यूं कह के मरिया के कहीं रोवे वो अपना घर जाए, एकदम सबके जोनो ऐसो। प्रेम की बात करानी अपन तो वी न्यू के केवल प्रेम एक का से होना चाहिए, एक से प्रेम जो जुड़ी गयो नी तो फिर वह सब बात होती है वी न्यू तो ऐसा है। पर ये जो चीजें नहीं भजन निरंतर जो भजन होते हैं नहीं, ये भजन इनसे बहुत ज्यादा अपने को बांधे रखते हैं। यदि मान लो भजन सतत नहीं होंगे ना तो इंसान निश्चित रूप से गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इस तरह की संगति का असर बहुत होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये भजन याद दिलाते हैं, जैसे यदि आपका कहीं थोड़ा बहुत पैर इधर उधर गया कि वो कह के तुम्हारा पैर इधर जा रहा है तो वो याद आ जाती है।
और बस वो याद ही तो सुमरण है, याद ही तो भजन है। क्योंकि सुमरण का मतलब माला फिर मेरा, मैं ये नहीं मानता कि सुमरण का मतलब माला लेकर के बैठ गए, और सुमरण का मतलब होता है याद, और वो याद ही इंसान को चेतना प्रदान करता है। तो ऐसा है, चलो बहुत हो गया। खेली म्हारी गावे गुलाबी हो दास भजन से म्हारी काया सुधरी, खेली म्हारी गावे गुलाबी हो दास भजन से म्हारी एब बिसरी, हाँ एब बिसरी ही एब बिसरी, तुम तो आवो हमारा हो देश बतैदा थारे प्रेम नगरी, बतैदा था के भाव नगरी, बतैदा थारे प्रेम नगरी।